Hi foodies, I'm Richa Jain. Welcome back to the channel, The Siblings Kitchen. Friends, today again I came up with a very interesting recipe that is a combination of two favorite, all-time favorite recipes of everyone. That is the French fries and the pizza. The recipe that we will make today is the frizza, which is a very yummy, cheesy, fully overloaded and tastes same like pizza, but we will make it in a very healthy version without maida. And this is a very yummy recipe and so presentable and so delectable that if you can serve in any party, aap sirf taarif mein batorte hi reh jayenge. Bahut hi fancy recipe hai. Chaliye without further ado, let's get started. चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं बनाना अ रेसिपी दैट इज़ दी ऑल टाइम फेवरेट कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स दैट इज़ दी फ्रेंच फ्राइज एंड द चीजीएस्ट पिज्ज़ा वी विल मेक फ्रिज़ा. तो फ्रेंड्स फ्रिज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पटेटोज लिए हैं, 5 बड़े आलू लिए हैं, इन्हें मैंने वॉश कर लिया है. अब पील कर लेंगे और इन्हें फ्रेंच फ्राइज की शेप में लंबा लंबा हम कट कर लेंगे. तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज की शेप में इन्हें सबको मैंने कट कर लिया है, वॉश कर लिया है और अब इन्हें हम सुखा लेंगे थोड़ा सा, फिर हम इन्हें फ्राइज़ करेंगे बाद में. तो पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए होगा. इसमें फ्रेंड्स एक सॉस प्रिपेयर करेंगे. तो सॉस प्रिपेयर करने के लिए ये फ्रेंच फ्राइज़ तो कट मैंने कर ही लिए हैं, सॉस प्रिपेयर करने के लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है 1/2 कप. ये मैंने लिया है पिज्ज़ा सॉस जो मिलता है मार्केट में, ये सेजवान सॉस लिया है 1/4 कप. उसके बाद मैंने लिया है ये पिज्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स, देन जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ऑरेगनो, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून पेरी पेरी मसाला एंड ये मैंने ली है 1/4 कप सारी वेजीज, कैप्सिकम्स, स्प्रिंग अनियंस, अनियंस इस तरीके से चॉप कर लिया है मैंने. आप इस तरीके क्यूबिक इन्हें सबको कट कर लिया और बॉयल्ड कॉर्न्स, तो ये सब वेजिटेबल्स ली हैं. और 1/2 कप चीज़ लिया है, बहुत ही चीजीएस्ट बनाने के लिए ये मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड मैंने लिया है. तो सबसे पहले सॉस प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए मैंने ये लिया है 1/2 कप मेयोनीज. इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून मैं अपना ये सॉस जो होता है सेजवान सॉस वो ऐड किया है, एंड ये पिज़्ज़ा सॉस होता है मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है वो मैंने ऐड किया. आप चाहे तो टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं. और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है 1 टीस्पून ये मैंने ऐड किया है. अब थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसकी थोड़ी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक है तो इसे इस तरह की कंसिस्टेंसी बनानी है कि ये हम आराम से ऊपर लगा सके फ्रेंच फ्राइज के. तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, इस तरीके की कंसिस्टेंसी में हमें सॉस प्रिपेयर करना है. अब फ्रेंड्स से ईजिएस्ट वे इसमें लगाने के लिए मैंने एक कोन लिया है, उसमें मैं इसको फिल करूँगी. अब सारी सीजनिंग रेडी करते हैं. सीजनिंग के लिए मैंने लिए 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मैंने लिया है पेरी पेरी मसाला, 1 टीस्पून मैंने लिया है इसके अंदर पिज्ज़ा सीजनिंग. अगर आपके पास एक दो चीज़ें कुछ अवेलेबल नहीं होती है तो आप ऑरेगनो, चिली फ्लेक्स और चाट मसाला ये भी ऐड कर सकते हैं. ये पेरी पेरी मसाला था जो मैंने लिया था, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है. ये ऑरेगनो ली है 1 टीस्पून एंड 1 टीस्पून चाट मसाला. इन सबको मिक्स कर लेंगे और ये लगाने की बहुत ही यम्मी से सीजनिंग हमारी रेडी है फ्रिज़ा के लिए. इसे साइड में रखते हैं. अब सबसे पहले हम हमारे फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई कर लेते हैं. तो तेल एकदम गर्म है, तेज आँच पर ही हमें एकदम क्रिस्पी तल लेना है जब तक कि बहुत क्रिस्पी हो जाए. तो सभी मैं इनको आलूओं को फ्राई कर लूँगी. पाँच मिनट में बहुत फ्राई होंगे, अभी समय निकाल लेते हैं. तो देखिए फ्रेंड्स कितने क्रिस्पी हो गए. फ्रेंड्स सुन पा रहे हैं आप कितने क्रिस्पी हो गए हैं, फ्राइज हमारे एकदम रेडी हैं. अब फ्रेंड्स स्क्वायर होता है, हम एक एक करके पूरे इनको स्क्वायर के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, सारे इसके अंदर लगा देंगे. तो देखिए मैंने सारे स्क्वायर्स के अंदर इसको लगा दिए हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं ये. अब हम इन्हें बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे बेक करने के लिए. तो इस तरीके से मैंने बेकिंग ट्रे ली है. सबसे पहले ऊपर से हम ऐड करेंगे सॉल्ट और ये जो हमने सीजनिंग बनाई थी अच्छे से इसे स्प्रिंकल कर देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे. अब ये इस तरह से कोन में मैंने भरा था तो ऊपर जो भी सॉस हमने बनाया था अच्छे से लगा देंगे. इस तरीके से ईजी हो जाता है लगाना. ऊपर से बहुत सारा लगाएंगे, फर्स्ट लेयर ऑफ चीज़, दिस इज़ दी मोज़रेला ग्रेटेड चीज़, बहुत सारा लगाएं, बहुत ही चीजीएस्ट टेस्ट लाने के लिए. अब हम लगा देंगे अनियंस, जो भी वेजीज आपने काटे थे एक एक लेयर करके जैसे पिज्ज़ा पे लगाते हैं वैसे लगाएं. कैप्सिकम्स, ये बॉइल्ड कॉर्न्स, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, एकदम पिज्ज़ा का टेस्ट आएगा विदाउट मैदा के, एकदम पिज्ज़ा का टेस्ट. वेरी हेल्दी रेसिपी एंड फ्रेंच फ्राइज का भी टेस्ट. सो मज़ा एक रेसिपी में दो रेसिपीज का, इजंट इट. अब ऊपर से थोड़े से स्प्रिंग अनियंस लगा देंगे, हम लगा देंगे बहुत सारा चीज़ इसको बहुत ही ज़्यादा चीज़ी बनाने के लिए. ऊपर से लगाएंगे ऑलिव्स, ऑलिव से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसकी लुकिंग भी डबल हो जाती है. अगर आपके पास हो तो ज़रूर लगाएं. अब फ्रेंड्स इसे बेक करेंगे हम
तो 220 डिग्री सेल्सियस पे माइक्रोवेव को ऑलरेडी प्रीहीट कर दिया 15 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स बाद इसे चेक करते हैं, देखिए फ्रेंड्स कितना चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, ब्राउन हो गए हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं, अच्छे से वेजेस इस पे सेट हो गए हैं। वाओ, इजंट इट दे आर लुकिंग सो यमी एंड सो प्रेजेंटेबल। Also, if you have not yet subscribed to my channel, do subscribe to the channel.